The History of Rinnegan from Naruto. रिनेगान थ्री ग्रेट डोजुत्सु में अव्वल दर्जे का माना जाता है शारिंगन और प्याकुगान के बाद। ऐसा कहा जाता है कि डिसऑर्डर के समय हेवन से उसे भेजा जाता है जो रिनेगान पोजेस करता है, जो या तो गॉड ऑफ क्रिएशन बनकर वर्ल्ड को शांत करेगा या फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनकर सब कुछ खत्म कर देगा। रिनेगान में आईबॉल्स सर्कल से घिरा हुआ होता है। तो स्वागत है आपका दिया मागी हिंदी में, मैं हूं सोरा संजू और आज हम बात करने वाले हैं रिनेगान के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले। दिया मागी की रीच इस चैनल के अलावा भी है, तो अगर आप हमारे फैन है तो हमारे दूसरे चैनल्स को भी सपोर्ट जरूर करें और आप हमें दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। एक्विजिशन। अर्थ पर फर्स्ट पर्सन जिसने रिनेगान हासिल किया था वो हागोरोमो ओसुसुकी था, जिसकी माँ के पास रिने शारिंगन था। हागोरोमो ने रिनेगान उसी वक्त हासिल किया जब उसने मांगे क्यों शारिंगन हासिल कर लिया अपने जख्मी भाई को देखकर। रिनेगान की मदद से हागोरोमो ने टेंटेल्स को हराकर दुनिया को बचाया और निंशु क्रिएट किया, जिसे अब निंजुत्सु कहा जाता है। उसके इस कंट्रीब्यूशन के लिए सभी उसे सेज ऑफ द सिक्स पाथ्स कहने लगे और उसके मरने के बाद वो और उसकी आंखें सबके लिए मिथ बनने लगे। रिनेगान के एग्जिस्टेंस के प्रूव होने के बाद भी कुछ लोग उसे रैंडम म्यूटेशन कहने लगे। हागोरोमो के चाक्रा से रिनेगान हासिल किया जा सकता है उसके दोनों बेटे इंद्रा और आशुरा के चाक्रा को मिलाकर, या फिर हागोरोमो उसे खुद किसी को दे दे। तो ब्लैक जेसुस सेंचुरीज तक इस कोशिश में लगा रहा इंद्रा और आशुरा के रीइंकार्नेशंस को मैनिपुलेट करने में रिनेगान को अवेक करने के लिए, और आखिर में मादारा उचिहा इंद्रा का रीइंकार्नेट इसमें सक्सेसफुल होता है। मादारा हाशिरामा सेंजू के फ्लैश को खुद में इम्प्लांट कर लेता है जो आशुरा का रीइंकार्नेशन था, जिससे आशुरा के चाक्रा का कुछ हिस्सा इंद्रा के साथ कंबाइन हो गया। पर इससे मादारा की आंखें तुरंत रिनेगान में नहीं बदले। उसके नेचुरल लाइफ स्पैन के एंडिंग के नजदीक आने पर वो सक्सेसफुल रहा। इससे उसके राइट आई का विजन भी वापस आ गया जो इज़नागी यूज करने से चला गया था। ओरोचिमारू और काबुतो याकुशी बाद में ये पता कर लेते हैं कि उचिहा और सेंजू के डीएनए को कंबाइन करने से शारिंगन रिनेगान में बदल सकता है। काबुतो सक्सेसफुली रिनेगान को रिक्रिएट करता है हाशिरामा के सेल्स को मादारा के रीइंकार्नेटेड बॉडी में मिलाकर, पर ये फेक आईज से रिनेगान के ओरिजिनल एबिलिटीज का फुल एक्सेस नहीं किया जा सकता। हागोरोमो की स्पिरिट से उसके हाफ चाक्रा को पाने के बाद सास्के का लेफ्ट आई रिनेगान में बदल जाता है, जिसके टू इनर मोस्ट सर्कल्स में थ्री टोमोए था। रिनेगान के पावर्स के साथ सास्के का लेफ्ट आई उसके मांगे क्यों शारिंगन की पावर्स को भी रिटेन रखता है, जैसे ऑक्युलर गेंजुत्सु कास्ट करना और अमेतराजु का यूज करना। अगर सास्के अपना रिनेगान का ओवर यूज करता है तो उसका ऑक्युलर पावर कुछ वक्त के लिए कम हो जाता है, जिससे उसके रिनेगान का तोमोए गायब हो जाता है पावर्स के वापस आने तक। ऐसे वक्त में सास्के अपना मांगे क्यों शारिंगन भी एक्टिवेट नहीं कर पाता और सुजानो को भी यूज नहीं कर पाता। मोमोशिकी ओसुसुकी के दोनों हाथों पर रिनेगान था जो इनिशियली रेड थे, पर अपने गार्जियन किनशिकी ओसुसुकी को कंज्यूम करने के बाद वो पर्पल या फिर येलो हो जाते हैं। ऐसा करने से उसके फोरहेड पर एक थर्ड रिनेगान भी अपेयर हो जाता है सेम कलर का। मोमोशिकी का येलो रिनेगान टेम्पररली रेड हो जाता है जब वो उसे यूज करता है। उराशिकी ओसुसुकी अपने ब्याकुगान वाले आंखों पर ही रिनेगान मैनिफेस्ट कर सकता था और दोनों के बीच स्विच कर सकता था। उराशिकी के रिनेगान अलग अलग फॉर्म्स लेते हैं डिफरेंट एबिलिटीज यूज करते हुए। कभी वो रेड हो जाते हैं जिसमें सिक्स तोमोए होता है, और कभी ब्लू व्हाइट ट्रिपल पैटर्न के साथ। दूसरों से चुराए हुए स्टोर चाक्रा को कंज्यूम करने के बाद उराशिकी अपने रिनेगान को भी खा लेता है, जिससे वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। इस फॉर्म में उसके आंख रिस्टोर हो जाते हैं और फोरहेड पर भी एक रिनेगान आ जाता है और उसके डोजुत्सु येलो कलर के हो जाते हैं। अदर डोजुत्सु की तरह रिनेगान को दूसरों में इम्प्लांट किया जा सकता है। मरने से पहले मादारा ने अपने रिनेगान्स को नागाटो के आंखों में इम्प्लांट कर दिया था और वो इन रिनेगान का यूज अपने पूरे लाइफ स्पैन में बखूबी कर पाता है।
है सेंजू लाइनेज की वजह से। नागाटो के मरने के बाद ओबितो उचिहा उसके रिनेगान को ले लेता है और अपने लेफ्ट आई में एक इम्प्लांट कर लेता है और एक छुपा देता है, ये जानते हुए कि वो दोनों के पावर्स को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। मादारा रिवाइव होने के बाद अपने दोनों रिनेगान को हासिल कर लेता है। मरने से पहले उसका रिनेगान डीएक्टिवेट होकर मांगेक्यो शारिंगन में बदल जाता है। एबिलिटीज, रिनेगान एक्स्ट्राऑर्डिनरली पावरफुल चाक्रा कंटेन करता है और ऑक्यूलर पावर को बूस्ट करता है, इतना कि कोई अनवर्दी वील्डर इसे इम्प्लांट करने के बाद खुद को खो सकता है। इसके फुल पावर्स को इसका ओरिजिनल यूजर ही एक्सेस कर सकता है दोनों आंखों को वील्ड करते हुए, लेकिन एक आंख को भी वील्ड करने से ये उसे ओवरवेलमिंग पावर ग्रांट करता है। रिनेगान बॉडी के अंदर चाक्रा फ्लो को देख सकता है और कुछ बैरियर्स के पार भी देख सकता है, लेकिन स्मोक बॉम्ब में ये इनइफेक्टिव होता है। रिनेगान को पोजेस करने से यूजर किसी भी जुत्सु को तुरंत मास्टर कर सकता है और 5 बेसिक नेचर ट्रांसफॉर्मेशंस को भी। रिनेगान ही एक लौता डोजुत्सु है जो सेज ऑफ द सिक्स पास के स्टोन टैबलेट को डिसाइफर कर सकता है। रिनेगान पोजेस करने वाला 6 एबिलिटीज को यूटिलाइज कर सकता है जिसे कलेक्टिवली 6 पास टेक्निक कहा जाता है। देवापात से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अशुरा पास से किसी के बॉडी को मैकेनिकली अल्टर कर सकते हैं, ह्यूमन पास से सोल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एनिमल पाथ से वेरियस क्रिएचर समन कर सकते हैं, प्रेता पाथ से चाक्रा एब्सॉर्ब कर सकते हैं और नरका पाथ से किंग ऑफ हेल को बुला सकते हैं। एक 7th एबिलिटी जिसे अटर पाथ कहते हैं, जो यूजर को लाइफ और डेथ कंट्रोल करने की पावर देता है जिससे वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है। अटर पाथ से यूजर अपना चाक्रा ट्रांसमिट कर सकता है ब्लैक रिसीवर्स में, चाक्रा चेन मैनिफेस्ट कर सकता है टेल बीस को पकड़ने के लिए, 6 पास ऑफ पेन क्रिएट कर सकता है 6 बॉडीज जो ब्लैक रिसीवर्स की मदद से कंट्रोल हो सकते हैं और 6 पास टेक्निक का एक एक एस्पेक्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। रिनेगान की मदद से यूजर 6 पाथ ऑफ पेन से एक शेयर्ड विजन पा सकता है समन किए हुए क्रिएचर्स के साथ और किंग ऑफ हेल के साथ भी, जिनके पास रिनेगान का कॉपी होता है। रिनेगान से डेमोनिक स्टैचू ऑफ द अटर पाथ पर लगे सील को हटाया जा सकता है और उसे समन कर सकते हैं, पर फेक रीइनकार्नेटेड रिनेगान से इसे समन नहीं किया जा सकता। इस डोजुत्सु से टेंटेल्स को सील करके उसका जिनचूरी की भी बना जा सकता है। रिनेगान को पोजेस करके यूजर मून की मदद से रिने शारिंगन अवेक कर सकता है इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट करने के लिए। उसी तरह रिनेगान पोजेस करने वाला इन्फिनिट सुकुयोमी के लाइट को रिपेल कर सकता है और इस प्रोटेक्शन को वो दूसरों को भी दे सकता है सुजानो की मदद से। इस टेक्निक को बंद करने के लिए रिनेगान वील्डर को रैट हैंड सील बनाना पड़ता है 9 टेल बीस के चाक्रा को पोजेस करने वाले के साथ। कुछ रिनेगान एबिलिटीज का सिंगल यूजर हो सकता है। मादारा फोल्ड ऑफ लिम्बो में कॉर्पोरियल शैडो बना सकता था जिसे रिनेगान से देखा जा सकता है। सास्के अपने रिनेगान से स्पेसेस शिफ्ट कर सकता था और पोर्टल्स ओपन कर सकता था। मोमोशिकी अपने राइट रिनेगान से निंजुत्सु अब्सॉर्ब कर सकता है और अपने लेफ्ट रिनेगान से उस अटैक को एम्पलीफाई करके रिलीज कर सकता है और चाक्रा को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उराशिकी ओसुत्सुकी अपने ब्लू रिनेगान की मदद से टाइम में पीछे जा सकता था। सास्के के रिनेगान में कुछ साइंस भी था, वो पैटर्न पहचान सकता था जो उसकी हेल्प करती है किसी कोड में पैटर्न एनालाइज करने में, अदर पैटर्न्स के साथ कंपेयर करके वो उसे डिसाइफर भी कर सकता था। वो छोटे अमाउंट ऑफ टेक्स्ट से लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन निकाल सकता था। तो दोस्तों ये थी हिस्ट्री रिनेगान की। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।